नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28। प्रतापगढ़ यादे हुसैन की शहादत पर मजलिस का कार्यक्रम आयोजित किया। जनपद प्रतापगढ़ थाना नवाबगंज के ग्राम कदरों में इंडिया न्यूज 28 यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन ने मुहर्रम की 9 तारीख को अपने पुश्तैनी मकान पर यादे हसन हुसैन की शहादत पर मजलिस का कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम आज से नहीं पुश्तों से बड़े बूढ़े बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं। आपको बता दें, मुहर्रम का त्योहार ऐसा त्योहार है जिसमें मुस्लिम धर्म, सिया हो या सुन्नी, सभी लोग अलग अलग परंपरा से करते चले आ रहे हैं। आपको बता दें, मुहर्रम के त्योहार पर जनपद प्रतापगढ़ में समाचार संकलन करने गए यूपी सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन, कैमरामैन बबिता वर्मा। रिपोर्टर हामिद हुसैन ने बताया कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम कंडरों में मात्र 3 घर मुस्लिम के, जो कि सुन्नी समुदाय में आते हैं, परंतु यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम करते हुए पुश्तों से ताजिया रखी जाती है और सभी कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम मिलकर निभाते हैं। नोहा श्री अक्रम व बरकत अली ने पढ़कर सुनाया, जिससे मौजूद लोग यादे हुसैन का नाम लेकर झूम उठे। मुहर्रम की 9 तारीख होने पर ताजिया रखी। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। ये मुहर्रम का त्योहार, सिया हो या सुन्नी, सभी मुस्लिम भाई और हिंदू भाई भी एकता का प्रतीक देते हुए मनाते हैं। हम इस समय जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम कड़ोनों में खड़े हैं, जहां पे लोहा पढ़ा जा रहा है और हमारे शहीदाने करबला यादे हुसैन हसन के विषय में हम कुछ जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। इस संबंध में हम बात करते हैं। ये अकरम भाई हैं, ये बाबा जी हैं, देखिए क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि ये कुछ नहीं है, तो सब लोग जानते हैं कि मतलब ये जो त्योहार होता है मनाते हैं, आपकी इतनी अच्छी सुरीली आवाज और आप क्या पुश्तैनी मतलब नोहा मरसिया जो भी है पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जब से हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, जब से हम लोग होश संभाले, तब से हम लोग नोहा पढ़ रहे हैं, मान भी रहे हैं आप। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक हमारे इंडिया न्यूज 28 की तरफ से कोई नोहा पढ़े, जो हम अपने चैनल पे और पोर्टल पे दिखा सकें। के पूछती हैं बालों से जमन से, किस तर अलाए रन से, रो रो के पूछती है बानो सहे जमन से, मेहमान बुला के प्यासा सिबुते नबी को मारा, ऐसे सुलूक कोई करता है बेवतन से, रो रो के पूछती है बानो सहे जमन से, झूला जो खाली देखा रो कर सकी न बोली, हमारे असगर अब तक नाए रन से, रो रो के पूछती है बानों
जमन से सुगरान खात में लिखा मुसाकले मुस्तफा को सुगरान खात में लिखा मुसाकले मुस्तफा को ऐसे भी रूठते हैं भाई कहीं बहन से रो रो के पूछती है बानो सहे दमन से कासिम चले जो मरने कुबुरा तड़प के बोली कासिम चले जो मरने कुबुरा तड़प के बोली किस तरह से सब्र होगा एक रात की दुल्हन से रो रो के पूछती है बानो सहे जमन से अफसोस है कि मैया तुरिया पड़ी है रन में अफसोस है कि मैया तुरिया पड़ी है रन में दोनों जहां कमालिक मोहताज है कफन से रो के पूछती है बानो बेचैन है सकीना और सांस रुक रही है बेचैन है सकीना और सांस रुक रही है जालिमों ने इस तरह से बांधा गला रसन से रो रो के पूछती है बानो से रमन से दरबार में तड़प कर बेटी ने जा पुकारा दरबार में तड़प बेटी ने जा पुकारा क्या हुआ सरे से रोता हुआ लगन से रो रो के पूछती है बानो से जमन से ऊँचा कर दिया सर को करबला का बेगो कबा कर दिया सर कटा कर सारी हो गई नन्ही लहदाबाद असगर मर गए हो गई नन्ही लहदाबाद असगर मर गए मौत ने सबीर के हाथों को हल्का कर दिया सर कटा कर सारी बापू का दिल डब डबाया उसे नन्ही लहे बापू का दिल डब डबाया आंसुओं ने चेहरे अकबर का पर्दा कर दिया सर कटा कर सारे सियाह मुझे कब्र कर गए आंसू थमे माँ चुप हुई कब्र में असगर गए आंसू थमे माँ चुप हुई रफ्ता रफ्ता मौत ने खामोश झूला कर दिया सर कटा कर सारे इस्लाम मुझा कर दिया
राह हक में जान देकर हजरत अब्बास ने, राह हक में जान देकर हजरत अब्बास ने, जो पराया था अभी दरिया पे अपना कर दिया, सर का कफन शान इस्लाम ऊंचा कर दिया, सोने चेहरे अकबर का पर्दा कर दिया, सोने चेहरे अकबर का पर्दा कर दिया, चांद ने छुप छुप के दुनिया में उजाला कर दिया, सर का कफन।